तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए उनको आजाद भारत के इतिहास में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई और हम सब उनको लगातार याद करते हैं। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, हमारे देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ऐसे जावाज, ऐसे लौह पुरुष पैदा हुए। वहीं देश के अंदर शंकराचार्य जी ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और आज हमारे देश के अंदर तीसरे कर्म योगी के रूप में जहां शंकराचार्य जी ने देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतें अलग अलग फैली हुई थी उनको एक करने का काम किया, एकीकरण का काम किया, वहीं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, वह भी एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। आज भारत पहले का जैसा भारत नहीं है, आज का भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है, अपने हितों की बात कर सकता है, वैश्विक मंचों पर कोई भी प्रकरण आता है तो पूरा विश्व आज भारत की ओर देखता है कि भारत का क्या रूप होने वाला है, भारत की सरकार क्या करने वाली है, इस प्रकार का भारत है। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने अभी देखा होगा कोरोना महामारी के समय में जब पूरी दुनिया के अंदर क्राइम त्राहीमाम मच गया तो लोग सोच रहे थे कि भारत के अंदर ये कोरोना महामारी कैसे व्यवस्थित होगी, कोरोना का कैसे इलाज होगा, कैसे वैक्सीन आएगी, कैसे इतना बड़ा देश कैसे इस बीमारी का सामना करेगा। ऐसे कठिन समय में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां उनके नेतृत्व की क्षमता पूरे व्यवस्थित तरीके से केंद्र की सरकार ने काम किया और एक साल के अंदर ही एक वैक्सीन नहीं, कोरोना की दो दो स्वदेशी वैक्सीन बनाने का काम भारत की सरकार ने किया, भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इतना ही नहीं, एक वैक्सीन लगाई गई, दूसरी वैक्सीन लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में लगाई जा रही है और निःशुल्क लगाई जा रही है, कोई उसका शुल्क नहीं लिया जा रहा है। गरीब लोगों को उनके घरों का चूल्हा जलता रहे, कोई भूखे पेट किसी को सोने ना पड़े, उनके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उस योजना के माध्यम से लगातार पिछले ढाई वर्षों से हर किसी के घर में देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और हमारे उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोगों को लगातार इस योजना का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां अभी अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने अनेकों कामों को जो हमारी उपलब्धियां हैं देश की आजादी के बाद, देश ने जिन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, जो नए नए आविष्कार किए हैं, उन सभी को हमने नजदीक से अपनी उपलब्धियों पर हमने कहीं न कहीं जश्न मनाने का काम किया है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का काम किया है। वही आजादी के जो दीवाने थे, मतवाले थे, जिन्होंने अपनी जिंदगानी दी, अपनी जवानी दी, उन सबको भी स्मरण करने का भी दिवस था आजादी का अमृत महोत्सव। हमारी नई पीढ़ी को हमारे उस विरासत से, हमारी उस पद्धति से, उनसे परिचय करवाने का भी ये था आजादी का अमृत महोत्सव। और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आने वाले 25 साल 2047 तक जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, 100 वर्ष पूरे करेंगे, तो ये 25 साल हमारे बहुत महत्वपूर्ण साल होने वाले हैं। इन सालों में भारत अपने सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाला है। आज एक शिल्पी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत को गढ़ने का काम किया है, एक नया भारत बनाने का काम किया है, उसमें युवाओं की, नौजवानों की, छात्रों की, छात्राओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। आने वाले 25 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसको अमृत काल नाम दिया गया है।
इस अमृत काल में हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। उसमें से हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर संकल्प लिया है कि हम अगले 2 सालों में पूरी तरह से टीबी का अनुकूलन कर देंगे, टीबी को उत्तराखंड के अंदर समाप्त कर देंगे। वहीं हमने यह भी संकल्प लिया है कि 2025 तक पूरी तरह से उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड कर देंगे। आज जहां हम रन फॉर यूनिटी को लेकर यहां पर आप सबके बीच में हम सब लोग दौड़ लगाने वाले हैं, वहीं कल देहरादून में एंटी ड्रग्स और रन फॉर यूनिटी